खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कोरोना वायरस के चलते बायोमेट्रिक और थंब इम्प्रेशन के उपयोग पर रोक लगा दी है। राजपूत ने कहा कि बिना थंब इम्प्रेशन के ही राशन दिया जाएगा। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बायोमेट्रिक एवं थंब इम्प्रेशन के बिना ही राशन दिया जाएगा। आम आदमी को थंब इम्प्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। राजपूत ने कहा कि जब तक कोरोना संक्रमण का खतरा है तब तक ऐसे ही राशन दिया जाएगा, कहीं भी बायोमेट्रिक और थंब इम्प्रेशन का उपयोग नहीं होगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण एक से दूसरे में बड़ी तेजी से फैल रहा है और यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। ऐसे में गोविंद सिंह के इस निर्णय से कोरोना फैलने का खतरा कम हो जाएगा। बहुत दिनों से मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से बायोमेट्रिक जो हमारे कंट्रोल में थम लगता है, उस थम को लेकर बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो रही थी। काफी लोग कह रहे थे कि थम अब जब तक कोरोना वायरस की संभावना है तब तक इसमें संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। इंदौर कलेक्टर और कई कलेक्टरों ने लिखकर भी इस बात को भेजा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बात को कहा, मुख्यमंत्री जी ने सीएस से कहा और सीएस ने पीएस से कहा और इस बात के लिए लगातार, चूंकि ये दिल्ली से होता है, तो केंद्र सरकार ने संपर्क किया और मुझे आज खुशी इस बात की है कि मुख्यमंत्री के कहने पर अब मध्य प्रदेश में जब तक कोरोना वायरस की बीमारी है तब तक थंब नहीं लगेगा। किसी व्यक्ति को थंब लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये बायोमेट्रिक थंब की अभी इसको बंद कर दिया गया है। अब राशन जैसे मिलता था वैसे ही मिलेगा। एक व्यक्ति जो चाहे शहर का हो, शहरों में हो, ग्रामीण में, वो एक कर्मचारी रहेगा जो थंब लगाएगा। आम व्यक्ति को थंब लगाने की आवश्यकता नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।